दो एवोकाडो के मैंने पे किए हैं 600 रुपए। इसमें ये और ये एक का मैंने पे किया है पता है कितने। जब भी मैं YouTube या फिर Instagram खोलती थी ना, तभी फॉरेनर्स को ऐसे ये सारे उल्टे सीधे फ्रूट्स खाते हुए देखती थी, तो मेरे को लगता था कि यहाँ कहाँ मिलता है ये सारे फ्रूट्स और कैसा टेस्ट करता होगा, बिकॉज हमारे पास तो आम, संतरा, केला और क्या अमरूद, यही सारी चीजें हैं। तो मेरे को भी लगता था कि कभी तो ट्राई करूं। तो करना, आज ये मेरा सपना साकार होने वाला है। आज मैं उन सारे फ्रूट्स को ट्राई करने वाली हूँ जो कि हमारे औकात से बाहर है और जो कि मैंने अपने पॉकेट मनी को जोड़ जोड़ कर खरीदा है। तो ये इम्पोर्टेड है, लेकिन फिर भी यार मतलब इतना महंगा, ये मैंने सिर्फ वीडियो के लिए लिया है, दोबारा तो मैं इसको छूने भी नहीं जा रही। शाबाश बेटा। तो आज मेरे पास ना भिन्न भिन्न प्रकार के फ्रूट्स हैं जिसको मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ मोबाइल पर ही देखा है। मैं इन सारे फ्रूट्स को एक एक करके ट्राई करूंगी एंड उसके साथ साथ इनका प्राइस भी आपको शेयर करूंगी कि मैंने इसको कितना पैसा देकर खरीदा है। लाइक मत पूछो। ओ भाई मारो, मुझे मारो। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम दे रहा है, जल्दी जाकर फॉलो कर लो। सो विदाउट एनी फर्दर सारे, तो जो सबसे पहला फ्रूट है ना, वो है मेरे पास ये टन टडा। आपको पता है एक छोटा सा डब्बा जिसमें इतनी से चीज है, इसके लिए मुझे 200 रुपए पे करने पड़े। लाइक 200 रुपए, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये है ब्लूबेरी। हमने हमेशा मतलब मैंने ब्लूबेरी केक खाया है या ब्लूबेरी फ्लेवर की चीजें खाई है, पर आज पहली बार मैं ट्राई करूंगी ब्लूबेरी। ये फैंसी सा पैकेजिंग करके दिया है इन्होंने 200 रुपए का। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, आप इसको करीब से देखो। ये अंदर से ब्लू नहीं है, मेरे को लगा था कि ये ब्लूबेरी है तो अंदर से भी ब्लू होगा। बट इट टेस्ट गुड मैन। इसको ऐसा खाने में मेरे को अजीब सा लग रहा है, सजा के रख दूं। दूसरी चीज जो है ना मेरे पास, वो बहुत यूनिक है, इसको देखा सबने है पर खाया कुछ ही लोगों ने है। ये है मेरे पास कीवी। सच बताऊं इसको काफी सारे लोगों ने ट्राई किया होगा, पर मैं आज ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ। लाइक मैंने सिर्फ देखा है और देख के कभी लेने का मन नहीं किया, लगा कि पक्का महंगा होगा भैया। ये एक डब्बा मुझे शायद 120 और 150 रुपए का मिला है। 3 पीस कीवी की प्राइस मुझे 150 रुपए पड़े हैं। तो इसको खोल लो, ये भी कुछ फैंसी से पैकेजिंग में आता है और मैंने सुना है कि कीवी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, बट मैं फिर भी नहीं खाऊंगी। तो ये रहा चक्कू और चलो इसको छीलते हैं। भाई मेरे कपड़े पे ना गिरना, पहले इसके ऊपर का पील कर लेना, ये इसके छिलके के साथ नहीं खाना है, पता ही होगा आपको, मेरे को नहीं पता था। गजब बेइज्जती है। तो ये रहा मेरा कीवी एंड लेट्स ट्राई दिस। बट ये टेस्टी है, मेरे को ब्लूबेरी अच्छा लगा था लेकिन उससे ज्यादा टेस्टी ये है। तो आप कीवी ट्राई कर सकते हो, ये उतना महंगा भी नहीं है और काफी हेल्दी भी है और सच में ये टेस्टी है। ये है आलू बुखारा, हमारे लैंग्वेज में इसको आलू बुखारा बोलते हैं और ये प्लम की फैमिली से बिलोंग करता है। ये प्लम इसका नाम है, तो मेरे को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि ये कैसा होगा, क्योंकि ये दिखने में काफी यूनिक है। काफी ज्यादा ये ऐसा है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये अंदर से बहुत ही अजीब सा दिख रहा है यार ये कलर, मेरे को इसको खाने का मन नहीं कर रहा सच में। चलो इसको ट्राई करते हैं, कैसे खाया जाता है मेरे को ये भी नहीं पता, बट ऐसे ही खाया जाता होगा शायद, लेट्स सी। जब इसका आप फर्स्ट बाइट लोगे ना, ये आपको मीठा लगेगा, बट जैसे ही आप इसको खा लोगे तो ये अजीब सा कड़वाहट टाइप का देगा। मतलब ये मेरे को समझ भी नहीं आ रहा ये अच्छा है कि खराब है। मैं तो नहीं खर्च करूंगी दोबारा इस पर पैसे, क्योंकि मेरे को उतना भी कुछ टेस्टी नहीं लगा। उसके बाद का जो चीज मेरे पास है ना, आपको हंसी आएगी। ये मेरे पास टंटाड़ा, ये अंगूर है, अंगूर ही है, पर ये दूसरे प्रजाति का अंगूर है। लाइक इतने से अंगूर का मैंने 250 रुपए पे किए। शाबाश बेटा। चलो इसको ट्राई करते हैं, मैंने इसको टेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। इसमें ये तो बेसिकली ये बीज वाले अंगूर है, बहुत ज्यादा मीठा है, लाइक एकदम शुगर के जैसा मीठा है ये, और उसके साथ साथ बस आप बीज आपको खाने में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, पर ये काफी टेस्टी है। इस वीडियो को करने के लिए ना बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है,
अब भी जाके सब्सक्राइब करो और लाइक करो। उसके बाद है मेरे पास, जिसको खाने के लिए ना मैं सबसे ज्यादा बेचैन हूँ, और इन सब में से सबसे महंगा है ये एवोकाडो। बट ये एक नहीं, ओ भाई मारो मुझे, ये मजाक हो रहा है। काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये फ्रूट में आता है कि वेजिटेबल में आता है, तो मैं आपको बता दूं ये वेजिटेबल नहीं है, ये फ्रूट में ही आता है। ये खराब हो गया, ये ऐसा ही है। सच में ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी है। क्या आपने कभी एवोकाडो खाया है, वो कमेंट में बताना। इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, और एकदम ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई ऐसा स्लाइम खा लिया है, चिकना चिकना सा। मेरे से नहीं चलेगा ये। तो उसके बाद है ना मेरे पास, वो है ये अलग अलग सी चीज। आप बोलोगे ये नशपाती है, लेकिन ये नशपाती नहीं है, ये नशपाती की ही प्रजाति का एक और फल है। और ये एक का मैंने पे किया है पता है कितने, 100 रुपए। बहुत मीठा है। इसका नाम भैया ने पता नहीं क्या बताया था, मैं भूल गई हूँ। इसको ट्राई करना एक बार। उसके बाद जो मेरे पास लास्ट चीज है ना, ओ माय गॉड, ये है ड्रैगन फ्रूट। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरे को लगा था ना कि इन सब में से सबसे महंगा ये होगा, बट ट्रस्ट मी ये सबसे महंगा नहीं है। ये सिर्फ एक ड्रैगन फ्रूट मेरे को सिर्फ 100 रुपए में पड़ा है। कितना प्यारा दिख रहा है, लुक एट दिस। इसको पील करना एकदम कीवी की तरह आसान है, एकदम इसको हाथों से आप हटा सकते हो। भाई हट क्यों नहीं रहा, क्या वीडियो वाले हमें झूठ बोलते हैं। लेट्स ट्राई दिस। ये बुरा नहीं है, हल्का मीठा है, लाइक कहते हैं एकदम लिटिल बिट, बट मेरे को ये अच्छा लगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो गया मेरे को पता है। लेकिन हाँ, मेरे को इनमें से कुछ 3-4 चीजें अच्छी लगी, बाकी सबसे खराब एवोकाडो था। सब्सक्राइब कर दो और जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बाकी मैं इसका लुत्फ उठाती हूँ। बाय बाय।